के क्रिएटिंग अ कंसोल एंड पुट आर टू टू थ्री वॉल पेपर एप्लीकेशन ऑन इट एंड देन सेल इट आउट तो ये जो रीजनस हैं इसकी वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो सख्त कर दी हैं थोड़ी सी सो डू वी हैव टू डू इज टू चेंज लिटिल बिट द एप्लीकेशन वी हैव टू मेक इट लाइक इट्स अ ओरिजिनल वट वी आर डू फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक खाली विदाउट एड्स एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा सिंपल एक एप्लीकेशन होगी चाहे वो वॉल पेपर की हो या जो भी हो बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे ऑथेंटिक लगे आफ्टर डैट जिनके ऊपर हमने एड्स लगाने वी हैव टू रिमूव द अपने जहन से हमें ये चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी कि वाल पेपर्स को पीछे छोड़ दें अगर हमने रखनी भी है तो एक दो एप्लीकेशन होंगी वॉल पेपर वाली सो लेट स्टार्ट अभी हम ये जो एप्लीकेशन हम विदाउट एड्स से आने लगे ये हमारी वॉल पेपर की ही होगी Uh, it, क्योंकि इसमें मैटर नहीं करता कि आप क्या अपलोड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हमने थोड़ी ना इस पर एड्स रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये एप्लीकेशन पड़ी है सैमसंग एस ट्वेंटी फाइव अल्ट्रा वॉल सी तो हम फ़िलहाल इसी को uh, चेंज करेंगे बाकी मेरे पास यूनिवर्स रिमोट पड़ा हुआ है और डाउनलोडर पड़ा हुआ है और काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं अच्छा तो एप्लीकेशन हमारे पास ये सारी पड़ी है इसमें से हम आज काम करेंगे एस ट्वेंटी फाइव अल्ट्रा के ऊपर लेकिन हम इसका नेम चेंज करेंगे लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से हम एप्लीकेशन को एडिट करते हैं प्ले कंसोल के ऊपर डालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करते हैं लेट मी चेक माई आर डर क्वालिटी यस इट इज़ गुड तो इसको ओपन करते हैं वेट फॉर द ग्रेटर टू फिनिश एंड द इंडेक्सिस एंड्रॉय स्टूडियो की लेटेस्ट अपडेट आई थी जो मैंने इंस्टॉल की भी है आई थिंक उसके अलावा तो कोई इसकी अपडेट नहीं है एस तेरी नो अपडेट इन सारी एक्टिविटीज़ को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हम क्या करेंगे तब तक ये हो चुका है ओपन हम ऐसा करते हैं हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं एम्प्टी एक्टिविटी लेकिन नेक्स्ट उसके बाद हम उसका नेम चेंज कर देते हैं ये एस ट्वेंटी फाइव थी हम एस ट्वेंटी फोर बना रहे हैं फिलहाल नेम मैं यही रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसे अपलोड नहीं कर रहा इट्स फॉर द एजुकेशनल पर्पस। नीचे से हम इसको ग्रुप डी डी एस एल बिल्ड कर सिलेक्ट करके फिनिश कर देते हैं आ, हमारी आ, बन जाएगी अभी दूसरी एप्लीकेशन भी हाँ उसमें बिल्ड ग्रेटल वगैरह डाउनलोड हो रहे हैं हैव टू वेट फॉर इट क्योंकि पॉलिसीज़ जो हैं भाई दिन ब दिन आ, चेंज होती हैं इनकी असल में आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट टू बी हैपन बिफोर नवंबर क्योंकि ये जो 2023 था इसमें लोगों ने इतना किस काम को खींचा जैसे अब मैं आपको एक आ, देता हूँ हिंट यूट्यूब का काम शुरू हुआ उस उसमें लोगों ने फेक काम करने शुरू कर दिया गूगल पे तो अनलिमिटेड फेक काम हो रहा है ना जिसे हम इलीगल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं तो अगे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची हुई थी जिसे हम प्ले कंसोल कह सकते थे ये लोगों के मतलब धोखे fraud और ये इलीगल एक्टिविटी से बचा हुआ था लेकिन 2022 के एंड से लेकर 2023 तो फुल ऑफ यखीओ से भर गया उन्होंने भाई पता तो चलना है ऑब्वियसली गूगल इज नॉट अ blind पर्सन तो दे नो एवरी दे स्ट्रिक्ट द पॉलिसीज़ अब उन्होंने क्या किया पहले एप्लीकेशन लाइव होती थी चार से पाँच दिन में पहली एप्लीकेशन उसके बाद दो से तीन दिन जब दस पंद्रह एप्लीकेशन हो जाती थी अगले दिन लाइव हो जाती थी ये उसका ट्रेंड चलता था दे नो पर्सन इज ऑथेंटिक नाउ दे हैव टू चेक एवरी अब उन्होंने वेरीफिकेशन क्यों दोबारा कर रहे हैं अब गूगल प्ले कंसोल वाले क्या कर रहे हैं कि जो प्ले है पहले कंसोल से चल रहे थे अब दोबारा उनकी री वेरीफिकेशन कर रहे हैं अब जिनके पास उनके आईडी कार्ड्स पड़े हैं जिनके ऊपर बने हुए लोगों को तो ये भी नहीं याद था कि भाई किसका किसके नाम है लोगों के बड़े कंसोल बंद हुए रीजन यही थी <coughs> मैंने कंसोल बनाया मैंने किसी को बेच दिया बीस हज़ार प्रॉफिट लेके उसने आगे बेच दिया उसने आगे बेच दिया उसने आगे बेच दिया दसवें पंद्रह बंदे के पास कंसोल चल रहे थे और दे डोंट इवन नो द रियल पर्सन तो वो क्या अपलोड करते वहाँ पर खैर इन्होंने जुगाड़ करने की बहुत कोशिश की बट देर इज़ नो जुगाड़ तो वो कंसोल सारे बंद हो गए चाहे वो लाखों दे रहे थे जितने भी दे रहे थे पर मंथ अर्निंग उसकी वो बंद हो गए तो अब कंसोल ने क्या किया गूगल प्ले गूगल ने कि उन्होंने कहा है कि आप अल्फा बीटा टेस्टिंग तो पहले ही चल रही थी 2021 से आई थिंक चल रही है आई डोंट नो लेकिन बहुत पुरानी चल रही है अल्फा बीटा टेस्टिंग लेकिन अब उन्होंने रिक्वायर कर दिया कि यू हैव टू डू इट अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन लाइव नहीं होगी और उसके बाद वो अथेंटिसिटी चेक करते हैं बेसिकली एप्लीकेशन की ए की जो आप वहाँ पर टाइटल दे रहे हो जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो जो टैक्स दे रहे हो ईच एंड एवरी यू हैव टू मेक श्योर वरना हमारे पास एक जुगाड़ होता है मैं आपको बताता हूँ अभी ये हमारी एप्लीकेशन है हमें जो चीज डिफरेंट चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है हर एप्लीकेशन उसको पब्लिश करने के लिए डेट इज दिस लाइन इस नेम की और एप्लीकेशन कंसोल के ऊपर नहीं चढ़ सकती ठीक है इसे कहते हैं पैकेज नेम पैकेज नेम डिफरेंट होगा एप्लीकेशन सारी की सारी सेम और डजेंट मैटर वो अपलोड कर देंगे पैकेज नेम सेम हो गया सॉरी अब मैंने आई थिंक मुझे सॉरी मैंने कहा था कि पैकेज नेम सेम ना हो बाकी सारी की सारी एप्लीकेशन सेम हो तो वो अपलोड कर देते हैं चाहे आप 50 एप्लीकेशन अपलोड कर दो लेकिन अगर ये चीज़ सेम है आप अपलोड कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी आपका कंसोल भी बंद हो जाएगा चांसेस होते हैं तो अब इसको चेंज करने का क्या तरीका होता है सिम्पली आप ऐप के ऊपर जाकर कर रिफेक्टर कर दो इसको ठीक है ये देखो रिफेक्टर पैकेज नेम होता है यहाँ पर कहीं परम इसमें चेक करते हैं डायरेक्ट्री इसको नहीं होगा यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया था इसको हम रिफेक्टर कर देते हैं ये पैकेज नेम है हमारा ये देखो पूरा रीनेम पैकेज डायरेक्टरी अब ये सारी की सारी रीनेम हो जाएंगी <coughs> मतलब हम इसी को ही उठा के दोबारा भी पब्लिश कर देंगे जब पब्लिश होगी इसका की स्टोर हमने सेव किया उसके बाद हम क्या करेंगे दोबारा से इसका पैकेज नेम उठाएँगे इसी को हम चेंज करेंगे रिफेक्टर करके हम अपलोड कर देंगे हो जाएगी लेकिन अब क्या है कि भाई अब वो कोड देख रहे हैं सी बात है। अब वैसे काम नहीं चलता अगर आपने कंसोल अपने 25 डॉलर तया नहीं करवाने तो यू हैव टू मेक इट ऑथेंटिक जो बात है आज पता नहीं मेरा इंटरनेट शायद स्लो है सो इट हैज बिन कंप्लीटेड। सो आई एम नॉट टेक टू लॉन्ग फॉर डेट सो इफ यू है उसको रिपीट करके देख लीजिएगा

सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैंने कॉपी कर लिया है उसके बाद हम चलते हैं रिसोर्सेज़ के अंदर आई विल डू हियर आई विल्स एंड ओपन दिस वन इसमें मैं uh, सारी की सारी एडिटिस चीज़ों को फिर से कॉपी कर लेता हूँ मिप मैप को मैं नहीं करूँगा और वैल्यूज़ को भी कर लेता हूँ ऑल उसके बाद हमारे पास अब डिफरेंस क्या आया होगा कि हमारे वैल्यूज़ के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग पड़ी है उसका नेम भी सेम उसी ऐप का बन गया होगा सो हमें इसका नेम सिर्फ चेंज करना पड़ेगा हमारा नेम है एस ट्वेंटी अल्ट्रा वॉल पेपर्स एंड थीम्स नहीं है हमारे पास बस इसको यहाँ तक छोड़ते हैं एस ट्वेंटी फोर है हमारा ऐप नेम इसको यहाँ पे कर हैं। यह देते हैं ये हमारी टेस्ट आईडीज़ लगी हुई है इसको हम एडिटिस् रहने देते हैं बिकॉज ये हमारे यूज़ की नहीं है फिलहाल तो इसको बंद करते हैं अब हमारे एरर्स जो फिलहाल हम ग्रेडल में चलते हैं क्योंकि तीसरा मॉड्यूल हमारा ग्रेडल होता है उसको भी हमें एडिटीज़ एडिट करना है उसमें हमारे पास क्या चीज़ें होंगी सबसे पहले सेटिंग देखते हैं ग्रेडल सेटिंग में हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडल सेटिंग में पहले तीनों एग्जैक्ट हैं ये हमारे पास एक नई चीज़ है जिसे हम कॉपी करके एज इट इज़ यहीं पे फेंक देंगे उसके अलावा बाकी सब होके इसको हम सिंक कर देते हैं यहाँ से इसके बाद हम चलते हैं लोकल प्रॉपर्टीज़ ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके बाद ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ में भी कोई चेंजेस नहीं होते यहाँ पे शायद हों लेकिन नहीं सब तो है अब बिल्ड ग्रेडल में चलते हैं ऐप लेवल पे शुरू से देख लेते हैं कंपाइल एस के वर्जन 33 थर्टी थ्री है इसको मैं थर्टी थ्री आने देता हूँ क्योंकि इसमें कभी ना कभी कभी कभार एरर्स आ जाते हैं तो इसको फ़िलहाल मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा जब इसको अपडेट करेंगे न्यू में तब इसको देख लेंगे इसमें बस ये दो लाइब्रेरीज हमने अपडेट करनी है बाकी सब कुछ ऐसी चीज़ है आठ लाइब्रेरीज़ है हमारे पास टोटल यहाँ पे भी आठ है इसको भी हम सिंक कर देते हैं साथ ही अब चलते हैं बिल्ड क्रिएटल प्रोजेक्ट लेवल पे यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमने चेंज करना है डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका बिल्ड क्रिएटल वर्जन एट पॉइंट वन पॉइंट वन है इसका एट पॉइंट टू है अगर हमारे पास एरर आता तो हम इस न्यू एप्लीकेशन को जो हमारे राइट हैंड साइड पर इसका भी हम वन पॉइंट वन कर देंगे मतलब डाउनग्रेड कर देंगे इफ़ वी गॉट एनी एरर नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉपी द मैनिफेस्ट फाइल्स एग्जैक्टली इधर भी मैनिफेस्ट ओपन कर लेते हैं अब इसमें हमारे पास कई नई चीज़ें हैं जिनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशंस हैं परमिशंस को एडेक्टिस कॉपी करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन के इस मॉड्यूल को हमने छेड़ना नहीं होता तो उसके नीचे से हम सारे के सारे को कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस एंड तक हम इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं कॉपी हो चुका है हमारे पास अब हमारे पास पैकेज नेम डिफरेंट आया होगा जो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके से रिजॉल्व करना है इसको हम एक्सपेंड कर रहा हूँ एक्सपेंड करके हमारा पैकेज नेम फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्ट को मैं लिविंग एज इट इज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम बाद में देखते हैं मैं जा रहा हूँ इसके अंदर आ, उसके बाद मैन्यू एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे वी मस्ट एरर्स लेकिन नहीं आ रहे एक दफ़ा तो मैं ख़ुद तसली तो कर लेता हूँ कि है हैं या नहीं है चलो फ़िलहाल इसमें तो नहीं है बाकी की एक्टिविटी सारी चेक कर लेते हैं इंडिविजुअली फ़िलहाल नहीं है अभी इसको एक दफ़ा करके देखेंगे रीबिल्ट। उसके बाद अंदाज़ा होगा कि एरर्स हैं या नहीं थिंग आर लुकिंग फाइन ईयर मैं इसकी जो एक बनी बनाई एप्लीकेशन होगी उसको मैं जो एक्जैक्ट एडिट है वो आप अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करके मांग सकते हैं क्योंकि इसमें वो बिल्कुल मैं फ़ाइनल चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी भी एड्स लगे हुए हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इंडस्ट्रीशल एड्स शो की एक्टिविटी लगी हुई है मतलब इसमें एड्स हैं लेकिन मैंने जो एप्लीकेशन फर्स्ट ऐप अपलोड करनी होती है उसमें मेरे पास एड्स नहीं है जो मैंने कोड के अंदर से सारे रिमूव कर दिए थे अभी देखो यहाँ भी हमारे पास एरर आ रहा है इसका हमारे पास पुराना पैकेज नेम है इसको क्या करेंगे हम इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं यहाँ तक रिप्लेस करेंगे शुरू से लेके क्रॉस वक से इट इज़ रिप्लेस फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिप्लेस कर देते हैं उसके बाद नीचे तो हमारा कोई पैकेज नेम नहीं है बट डॉक्टर्स को खोलते हैं इसके अंदर चेक करते हैं पैकेज नेम हमारा कॉपी तो नहीं ये यह देखिए यहाँ पे भी हो रहा है इसको भी हम कंट्रोल भी कर देते हैं नीचे कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा हमारा कोई भी पैकेज नेम तो इसको छोड़ देते हैं फ्रेगमेंट ओपन करते हैं फ्रेगमेंट को एक दफ़ा देखते हैं यहाँ पर दो जगह पर यूज़ हो रहा है इसको भी रिप्लेस कर देते हैं और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं लॉजिक पेपर्स में होगा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा लेकिन नज़र नहीं आ रहा तो क्या करते हैं हम इसको एक दफ़ा रिबिल्ड करके देखते हैं प्रोजेक्ट में कितने एरर्स हैं अभी हेल्ल एरर्स होंगे क्योंकि हमारा मैनिफेस्ट चेंज होने वाला रहता है इसको हम बाद में चेंज करते हैं इट विल टेक टाइम तो कहीं पर अगर समझ नहीं आई तो उसको आप पैक करके पॉज करके देख लेना जहाँ पे कोई इशू हुआ आई होप कि नहीं होगा तब तक ये हो रहा है तब तक इसको चेंज कर लेते हैं इसमें भी कंट्रोल कंट्रोल तो क्या करना है ऐसे ही रिप्लेस कर देता हूँ इसको इसको बाद में देखते हैं क्या अरेर है पहले जो काम अपना फिनिश कर रहे हैं उसको कर लेते हैं बेसिकली ये हमने क्या किया है एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ जो हमारा न्यू पैकेज नेम है पैकेज नेम हमारा यहाँ पे पुराना आ रहा था क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो हम न्यू पैकेज नेम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो एरर हमारे पास क्या आया है इसको एक दफ़ा देखते हैं एरर है आ, मैनिफेस्ट के अंदर लाइन नंबर एलेवन फिफ्टीन चलिए इसको तो हमने हटा दिया है दियास अच्छा अभी इसका चेंज करना होगा हमने यहाँ पे भी आई थिंक नहीं करना होगा दोबारा तो करते हैं होपफुली फुली लाइन नंबर की फाइव में यहाँ पे इशू आ रहा है एक मिनट, इसको देखते हैं क्या इशू है मिप मैप में हमारे पास आईसी लॉन्चर्स पड़े हुए हैं इसके पेरेंट फाइल में देखते हैं हमारे पास क्या चीज है सॉरी ये ओपन नहीं मैंने करना था आ, इसके रिसोज में चलते हैं विक मैप में चलते हैं हमारे पास ये तीन है यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट है चीज़ें तो इसको हम करते हैं डिलीट इसको भी डिलीट अब क्या करेंगे इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं और पिप मैप के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं बल्कि फोल्डर्स हैं तो इसको इंडिविजुअली करना पड़ेगा शायद अभी भी हमारे पास वही एरर आ रहा है तो मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ इसमें तो कोई एरर नहीं है लाइन रिसो थीम नॉट फाउंड आई थिंक ये फिर से वॉलपेपर नेम का इश्यू बन गया है हमारे पास इधर हमारे नेम क्या थे इनको हम डिलीट करते हैं अच्छा किस जगह पे ये कह रहा है थीम्स के अंदर यहाँ पे एरर दे रहा है थीम्स तो हमारे पास शायद था ही नहीं इसके अंदर भी हाँ थीम को हम डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ इसको रीबिल्ड करते हैं अब क्या रह अच्छा यहाँ पे थीम्स मांग रहा है ये वाली लाइन हमने चेंज करनी है सिर्फ़ इतना एरर था क्योंकि उस पर हम डायरेक्ट आई सी लॉन्चर को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास थीम कॉल हो रहा है किसके अंदर हो रहा है ये थीम्स के अंदर यहाँ पे स्टाइल्स पड़े हुए हैं वैल्यूज़ में बड़े हैं थीम्स इधर वैल्यूज़ में हमारे पास जेम्स का फोल्डर नहीं है कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल सी नाउ लेट मी चेक होपफुली बैरअ चला जाएगा कोई एरर नहीं आया होगा इस टाइम एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा नहीं पड़ा हुआ अच्छा सही है अब इसका सबको बंद कर रहा हूँ के और यहाँ से हम खोलते हैं थीम्स नहीं कॉल उठा ही नहीं रहा ये क्योंकि वहाँ पे एस ट्वेंटी फाइव अल्ट्रा पड़ा हुए थीम्स के अंदर अब हम क्या करेंगे कि इसका जो नेम है इसको चेंज कर देते हैं या हम इसी को वहाँ पे कॉल कर देते हैं तो ये भी हो चल जाएगा तब भी ओ सॉरी कंट्रोल सी टू मैनीफिस्ट और यहाँ पे यहाँ तक तो. <coughs> दोबारा रीबिल्ड स्टिल अब न्यू एरर आ गया आई लॉन्चर क्योंकि हमने वहाँ से सारे डिलीट कर दिए थे तो मैं क्या करूँगा ऐप के ऊपर जाऊँगा न्यू इमेज एसेट्स के अंदर और मैं यहाँ से एक न्यू इमेज सर्च uh, करूँगा यहाँ से डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड्स यहाँ पे कोई आइकन पड़ा होगा इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट फिनिश अब वो भी आई थिंक एरर हमारा चला जाएगा क्योंकि हमारा आई सी लॉन्चर नहीं थे तो ये छोटे छोटे जो एडर्ट होते हैं आपको ये गूगल करने पड़ेंगे स्टैक ओवरफ्लो से या कहीं गेटअप से या आपको किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से देखना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ रहा है तो देखिए सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है अब हमने क्या करना है मैं फाइनल कुछ चीज़ें आपको वो भी बताया था तो बिल्ड किया कोई एरर नहीं है ठीक है एप्लीकेशन हमारी रेडी है अब मैं एक एप्लीकेशन गूगल ड्राइव पे अपलोड करके इसका कमेंट में दे दूंगा लिंक जो कि बिल्कुल फाइनल होगी जिसको आप चेंज कर लेना इसको चेंज ना करना क्योंकि इसके अंदर एड्स लगे हैं बाकी मैंने आपको सारा एप्लीकेशन को क्लोन करना सिखा दिया जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा अब क्या करना है आपने टूल्स के अंदर जाना है सॉरी टूल्स नहीं आपने जाना है इसके अंदर बिल्ड के अंदर क्लीन प्रोजेक्ट कर देना है ठीक है क्लीन के बाद दोबारा रीबिल्ड करना है एक दफ़ा मेक श्योर करना है कि क्लीन के अंदर कोई हमारी काम की फ़ाइल तो नहीं उड़ गई कभी कभार ऐसा हो जाता है होपफुली अब ना हुआ हो डट वट वी कैन एक्सपेक्ट नहीं सब कुछ ठीक है अब हो गया अब हमने बिल्ड के अंदर जाना है बिल्ड के अंदर जो हमने एप्लीकेशन अपलोड करनी है उसके लिए हमने क्या करना होगा जनरेटा साइंड ए पी के ठीक है ये इस पर क्लिक करना है जनरेट साइंट बंडल और ए के हमने बंडल साइन करना होता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे ए ए बी एंड्रॉयड ऐप बंडल यही हमेशा अपलोड होता होता है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नेक्स्ट करते हैं हमारा की स्टोर का हमने पाथ देना की स्टोर आपको हर कंसोल के लिए न्यू बनाना पड़ेगा कैसे कम्यू बनाना है यहाँ पर क्लिक करते हैं की स्टोर का पाथ देते हैं कहाँ पे हमने देना है मैं इसको दे रहा हूँ की स्टोर का पाथ एच के अंदर उसका नेम मैं दे देता हूँ डमी बस डमी के जी एस मतलब मैं एक डमी बना रहा हूँ मैं इसे अपलोड नहीं कर रहा उसके बाद पासवर्ड आपने देना है कोई भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक दिया है मैंने ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एहलियाज़ आपका होता है कि जीरो इसको मैं फिलहाल सी भी कर देता हूँ क्योंकि मेरे सारे क्रॉसपर्क के नाम से चल रहे थे पासवर्ड दोबारा देना है वही वाला नाइन तक अगेन उसके बाद आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं या आपसे पूछते हैं इसको कितने साल के लिए आपने वैलिड रखना है पच्चीस साल इनफ होते हैं कि एक कंसोल इतना ही चलेगा मैक्सिमम बाकी बंदा इसको चेंज कर लेता है फिलहाल फर्स्ट एंड लास्ट लास्ट टाइम पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन उस सिटी उसको छोड़ दें बस इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं ठीक है सारा कुछ उसने ऑटोमेटिकली रिमेंबर कर लिया है नेक्स्ट करते हैं इसको हम रिलीज पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देते हैं अब इस एप्लीकेशन को जो हमने रेडी कर दी एज इट इज़ उसका हमें उसने ए ए बी फाइल बना देनी है जो हमने डायरेक्ट अपलोड करनी है कहाँ पे अपने प्ले स्टोर के ऊपर ठीक है तो मैं आपको वो भी सिखाता हूँ कि अपलोड कैसे होनी है ये मैंने आपको सिखा दिया है कि एप्लीकेशन को क्लोन कैसे करना है जो एप्लीकेशन मैं आपको दूंगा आपने उसको खोलना है एक दोबारा एक और न्यू प्रोजेक्ट बनाना है जैसे जैसे मैंने किया है एज इट इज़ आपने बना के अब इसमें कोई एरर्स नहीं है आप देखो रीबिल्ड हम दोबारा भी करके देख लेते हैं एप्लीकेशन रेडी टू रन है आपने चेंजेस जो करने होते हैं वो आपने करने होते हैं इसके अंदर हाँ ये देखो अब इस ये हमारा जनरेट साइन बंडल हो गया इसके ऊपर क्लिक करेंगे लोकेट पर जाएंगे रिलीज़ के अंदर जाएंगे ये हमारा ए बी फाइल इसको आप उठा के कॉपी करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर फेंक दो तो। यही फ़ाइल आपकी प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड होगी ठीक है आपकी एप्लीकेशन जिसे हम कह सकते हैं मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे गंद नहीं डालना तो अब हम चलते हैं वापस इसी के ऊपर जो हमने बनाई है अब इसमें एप्लीकेशन में चेंजेस आपने क्या करना है क्लोन करनी सिखा दी है लेआउट के अंदर जाना है ये नहीं है गलती से खुल गया था अब देखें ये जैसे मेरी एप्लीकेशन का डिज़ाइन बना हुआ है फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टॉकिंग इसमें हवावे नोवा टन का आइकन लगा हुआ है अब ऑब्वियसली वी आर मेकिंग आवर एप्लीकेशन नेम इज सैमसंग एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा वाल पेपर हमने इसको भी चेंज करना है ठीक है या आप कैनवा से डिज़ाइन कर लो फोटोशॉप से डिज़ाइन कर लो डिज़ाइन करके उसे यहाँ पर पे पेस्ट कर दो अपने बटन चेंज करने बटन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर लो ठीक है इसका पीछे से बैकग्राउंड चेंज करना है आप, आप चेंज कर लो टोटल आपने यूजर इंटरफेस जितना भी आपने चेंज करना है तो इट्स अप टू यू ठीक है वो कैसे करना है अगर आपको नहीं समझ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आई विल मेक एन अदर वीडियो ऑफ डूइंग डैट अज़ान हो रही है सो आई एम वाइंडिंग इट अप तो ये सारा तरीकाकार था, था जितने भी आपने यू आई के चेंजेस करने हैं आपने यहाँ पे करने हैं ठीक है बटनस वगैरह जो भी है आपकी स्पलाई स्क्रीन है यहाँ पे भी वॉल पेपर चेंज हो गया यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली आ गया ठीक है ये हमारी आज की वीडियो थी इतना काम कर लें जितना आपको इश्यू आ रहा है वो मुझसे पूछ लीजिएगा लीजिएगाप्लीकेशन मेरी गूगल ड्राइव का लिंक मैं अपलोड कर दूँगा वहाँ से उठा लेनी है सो डेट्स द एंड खुदाफिस इसको कॉपी करके मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कहाँ तक काम है